आईजी आशुतोष कुमार ने जन समुदाय से की अपील, सावन मास में जलाभिषेक अपने आसपास के शिव मंदिर में करें। आईजी आशुतोष कुमार, इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस लाइन सभागार में बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को किया गया संबोधित। आईजी ने सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी किया संबोधित। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनहित में इस वर्ष कांवड़ यात्रा स्थगित रहेगी। आईजी आशुतोष कुमार, इस दौरान श्रद्धालु अयोध्या में सरयू नदी में जल लेकर श्री भद्रेश्वरनाथ तथा संत कबीर नगर में तामेश्वरनाथ शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जनपद की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी श्रद्धालु सरयू नदी में जल लेने नहीं जा पाएगा। सभी श्रद्धालु सावन मास के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। बस्ती जिले में कुल 56 शिव मंदिर स्थापित हैं। भक्तजन घर में स्थापित शिवलिंग या आसपास के मंदिरों में जलाभिषेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर एक बार में केवल 5 श्रद्धालु जल चढ़ाने जा सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अधिकारी सभी गाँव में ग्राम निगरानी समिति तथा कांवड़ समिति के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करा दें। क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रा के बारे में विचार विमर्श कर लें। सभी थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र में आने वाले शमियाना एवं टेंट हाउस, डीजे एवं छोटे वाहन जिस पर डीजे लगाए जाते हैं के स्वामियों से वार्ता करके उन्हें कांवड़ यात्रा जुलूस प्रतिबंधित किए जाने की जानकारी देते हैं तथा यदि किसी प्रकार की बुकिंग की गई तो उसे निरस्त कर दें। आईजी आशुतोष कुमार, बस्ती जनपद से राजन कुमार की खास रिपोर्ट।